नितीन गडकरी यांच्या प्रचारार्थ सभा घेत आहेत, थेट जाऊया तिकडे। छोटे व्यापारियों को भी 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो सभी व्यापारियों को 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा केंद्र सरकार के खर्चे से व्यापारियों का उतारा जाएगा। छोटे व्यापारियों को पेंशन देना, 40 लाख से नीचे जिनका टर्नओवर है उसको जीएसटी से मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 60 लाख से नीचा जिनका टर्नओवर है उनको इनकम टैक्स नहीं भरना है। 5 लाख से नीचे जिनकी इनकम है वो व्यक्तियों को भी इनकम टैक्स नहीं भरना है। और अगड़े समाज के लोग, बच्चे जिनको कभी आरक्षण नहीं मिलता था, रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वो अगड़े समाज के सभी बच्चों को, गरीब बच्चों को 10% रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी सरकार शिक्षा और एडमिशनों के अंदर नौकरियों में देने वाली है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे वादे किए हैं। नेशनल हाईवे को दोगुना बनाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के 50 लाख तक के लोन पर कोई गारंटी नहीं मांगेंगे, सभी रेलवे को ब्रॉडगेज बनाएंगे, सभी रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए। मगर सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी और 10 साल तक ये आलिया मालिया जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपने जवानों के सर को अपमानित करते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हो गए, पूरे देश भर के अंदर हताशा, गुस्सा, निराशा, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। मगर इन बाबा मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 13वीं के दिन, शहीदों की 13वीं के दिन भारतीय एयरफोर्स के जवान विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुसकर, उनके घर में घुसकर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप के फुरचल्ले उड़ाने का काम एयर स्ट्राइक कर भारत की सेना ने किया। और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई देश भर में उत्साह का माहौल था, लोग फटाके जलाने लगे, शहीदों के तस्वीरों को माला चढ़ाने लगे, मिठाइयां बंटने लगी, देश भर में खुशी का माहौल था। दो जगह मातम छाया, दो जगह पे छातियां पीटने लगे लोग, एक तो पाकिस्तान में, वो तो बराबर ही है, उन पर हमला हुआ था, इनकी तो नानी मर गई थी, और दूसरा राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी में भी मातम छा गया, वो भी हाय तोबा करने लगे, ये शाम पित्रोड़ा बोलने लगे, क्यों बम गिरा रहे हो, बातचीत करो, 5-6 लोग गलती करते हैं तो एक देश पर बम नहीं गिराते हैं। मुझे बताओ नागपुर वालों, 40 जवानों को जो मार दे वो आतंकवादियों को बम से उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए? जोर से बोले, उड़ाना चाहिए नहीं उड़ाना चाहिए? अरे राहुल बाबा, आपको आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना है तो कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहां वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अभी अभी समझौता ब्लास्ट का रिजल्ट आया, सारे लोग असीमानंद जी समेत निर्दोष छोड़ दिए,
कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मैं कहना चाहता हूं जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस शिंदे जी ने, जो चिदंबरम ने और राहुल बाबा ने स्वयं हिंदू टेरर, भगवा टेरर करकर दुनिया में, पूरी दुनिया में हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया था, वो हिंदू समुदाय जो चींटी हमें काटती है उसको भी जिंदा रहने के लिए हर रोज हमारी माताएं बहनें आटा खिलाती है, वो हिंदू समुदाय कभी टेररिस्ट हो सकता है क्या? आपकी ओछी राजनीति करने के लिए हिंदू टेरर का मुद्दा उठाया, आज कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने कहा हिंदू टेरर जैसी कोई बात नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र था। मैं नागपुर की भूमि पर से राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आपने हिंदू समुदाय को बदनाम किया है, आपको चाहिए चुनाव के पहले समस्त देश के हिंदू समुदाय की आप माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, मगर वो कभी नहीं मांगेंगे, नहीं तो ये इनकी फितरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी अभी कश्मीर के अंदर कांग्रेस और एनसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ हुआ है, अभी अभी एनसी के एक प्रत्याशी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कांग्रेस पार्टी चुप है। अगर हमारा कोई साथी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इलेक्शन हारे या जीते, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी उससे गठबंधन तोड़कर मुक्त कर देगी। ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर के अंदर अलग प्रधानमंत्री चाहिए। क्यों भाई, कश्मीर को पिताजी की भूमि मानते हो? कान खोल कर सुन लो राहुल बाबा, कान खोल कर सुन ले उमर अब्दुल्ला जी, हम सरकार में रहे या विपक्ष में, अभी तो हम सरकार में आने वाले हैं, विपक्ष में भी रहे, जब तक भारतीय जनता पार्टी है कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और हमें मानते हैं, इसीलिए हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने कहा है धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए, 35A को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और ये राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता जुलूस निकलता है तो भारत है या पाकिस्तान का जुलूस है, मालूम ही नहीं पड़ता, ऐसी जगह जाके खड़े हुए, इसलिए वो चुप हो गए हैं। ना धारा 370 के लिए बोलते हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बोलते हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां अपना बलिदान दिया है, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है मित्रों, कोई ताकत अलग नहीं। मित्रों आज मैं आप सभी से और ये मंच के माध्यम से समग्र विदर्भ की 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी जनता को अपील करने आया हूं। 11 तारीख को मतदान है, अब यहां माताएं बहनें बैठी है, मटकी खरीदने जाते, गर्मी है, मटकी खरीदने जाते हैं, 200 रुपए की मटकी होती है, टकोरा लगाकर देखती है या नहीं देखती है आपको, मटकी पक्की है या कच्ची है देखा जाता है नहीं देखा जाता है, जरा जोर से बोलो देखा जाता है नहीं? अरे 250 रुपए की मटकी को टकोरा लगाते हो, देश किसके साथ हाथ में देना है जरा टकोरा लगाकर देख लेना, गलती न हो जाए, गलती न हो जाए। बताओ किसके हाथ में देना है, जोर से बोलो किसके हाथ में देना है, और जोर से बोलो किसके हाथ में देना है। मित्रों नरेंद्र मोदी जी के अलावे
इस देश को कोई सुरक्षित रख नहीं सकता। मोदी के अलावे पाकिस्तान को कोई जवाब दे नहीं सकता। मोदी के अलावे आतंकवाद को कोई जवाब दे नहीं सकता। मित्रों मुझे जाना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, नागपुर सीट से हमारे वरिष्ठ नेता गडकरी जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे, देश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे, कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाए रखेंगे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। तर आपण पाहतो आहोत भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी नितीन गडकरींच्या प्रचारार्थ ही रॅली नागपूरमध्ये घेतली होती, प्रचार सभा आयोजित केली गेली होती। केंद्रीय मंत्री आणि रिपाईचे अध्यक्ष रामदास आठवले हे देखील यावेळेला उपस्थित आहेत। आणि काँग्रेसवर, राहुल गांधींवर, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर अमित शहांनी टीका केली आहे। बुलेटिनमध्ये वेळ झाली एका ब्रेकची, पाहत रहा जय महाराष्ट्र।